शहर में छुट्टा पशुओं की भरमार है। नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार छुट्टा पशुओं पर अभियान चलाकर धरपकड़ किया जाता है। इसके बावजूद डेयरी मालिक और पशुपालकों द्वारा पशुओं को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। गुरुवार को नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि अगर गाय दिखाई दे रही तो इसका अर्थ है कि शहरी क्षेत्र में जो डेयरी वाले गाय को छोड़ दे रहे हैं, जिससे वह सड़क पर आ जा रही है। गायों के लिए भी हमारे नियम वैसे ही हैं, अगर कोई गाय पकड़ी जाती है तो उस पर भी पेनाल्टी 10,000 है। गोरखपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत साथ ही यह प्रयास भी किया जाता है कि डेयरी मालिकों की लिस्ट बनाई गई है, उनके चयनित किया गया है और उनको नोटिस दिया गया है। अगर वह नहीं मानते हैं, गाय को छोड़ देते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, देखिए शहरी क्षेत्र में अगर गायें दिखाई दे रही हैं तो इसका अर्थ ये है कि शहरी क्षेत्र में जो हमारे डेयरीज हैं तो डेयरी वाले अपने गाय को छोड़ दे रहे हैं, जिससे वह सड़क पर आ जा रही हैं। तो गायों के लिए भी हमारे नियम वैसे ही हैं, अगर कोई गाय पकड़ी जाती है तो उस पर हेवी पेनाल्टी है, 10,000 रुपये तक जुर्माना है गोरखपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत। और साथ ही एक प्रयास ये किया गया है कि सभी डेयरी मालिक जितने हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, उन्हें चिन्हित किया गया है, उन सबको नोटिस दी गई है। नोटिस के आगे अगर वे नहीं मानते हैं, गंदगी फैलाते हैं, गायों को छोड़ देते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। CGM साहब के यहाँ इसकी सूचना भी भेजी जाएगी ताकि उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई हो सके और साथ ही नगर निगम आर्थिक दंड भी उन पर लगाएगा, उनसे जुर्माना वसूलेगा।